नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज लेकर आई हूं आपके लिए कुछ नई हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इंडिया में डेथ रेट के मामले कैंसर से बढ़ते जा रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले 2010 से 2019 के बीच में 1.1 से 2% की औसत से बढ़े हैं। इस अवधि में देश में कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। समस्या न केवल बुजुर्गों और युवा पीढ़ी को हो रही है, वहीं बच्चों को भी बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में हर साल 3 लाख से अधिक बच्चों में कैंसर का पता चलता है। भारत में हर साल लगभग 50,000 से अधिक न्यू चाइल्डहुड कैंसर केसेस के मामले सामने आते हैं और इसके कई कारण हैं। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक मैजिकल फूड इंग्रेडिएंट के बारे में जिसको आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करके कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कैंसर शरीर में होने वाले एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है। कैंसर तब होता है जब शरीर में सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगते हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। स्वास्थ्य कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं इस तरह से अपना काम करना बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने की बजाय जीवित रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। यही अतिरिक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर हो जाता है। लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं होता है। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, वही कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। आमतौर पर यह आसपास के टिश्यूज में फैलता है। वही एबनॉर्मल और डैमेज कैंसर सेल शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर नए घातक व मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनाने लगती हैं। वही कैंसर और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर इत्यादि। इन सभी कैंसर के लक्षण और जांच एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कैंसर का इलाज मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के थ्रू होता है। वहीं कैंसर होने के कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि च्युइंग टबैको और लिकर कंजप्शन। कई रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर और गर्दन में कैंसर के 75% मामलों की बड़ी वजह शराब और तम्बाकू। जो लोग इन दोनों ही चीजों का सेवन करते हैं उनमें खतरा बढ़ जाता है। वहीं परिवार में यदि कैंसर होने की हिस्ट्री है तो इस खतरनाक बीमारी के होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कैंसर एक डिफेक्टिव जीन के कारण भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर आदि हो सकते हैं। वहीं हम जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उनमें कई ऐसे तत्व या पदार्थ मौजूद होते हैं जो कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। आजकल अधिकतर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड से दूषित होते हैं, जिनके सेवन से शरीर पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। दोबारा गर्म किए गए भोजन, अधिक पके हुए फूड्स, दोबारा गर्म किए गए तेल कैर्सिनोजेनिक हो जाते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल्स की वजह से प्रदूषित जल भी काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें हैवी मिनरल्स मौजूद होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लीवर कैंसर के लिए 50% तक जिम्मेदार होते हैं, जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्विकल कैंसर होने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही रेडिएशन और सन एक्सपोजर भी कैंसर के जोखिम को काफी हद तक बढ़ाते हैं। चलिए अब कैंसर के लक्षणों के बारे में जानते हैं। सभी कैंसर के लक्षण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ऐसे में इसके सिम्टम्स के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान कर निदान और इलाज शुरू किया जा सके। बिना कोई कारण नजर आए यदि आपका वजन तेजी से कम होने लगा है तो यह कैंसर के पहले संकेतों में से एक हो सकता है। सारा दिन थकान महसूस होना भी कैंसर के महत्वपूर्ण लक्षणों में शामिल है।
त्वचा में किसी भी तरह की गांठ या लंप नजर आए तो संभवतः यह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपकी त्वचा का रंग बदलकर पीला, काला या लाल हो गया है तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई मोल या मसे के रंग और आकार में बदलाव नजर आए तो इसे नजरअंदाज ना करें। इस बात पर भी गौर करें कि कोई भी घाव ठीक होने में अधिक समय तो नहीं ले रहा। वहीं तीव्र दर्द आमतौर पर बोन कैंसर्स और टेस्टिक्यूलर कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह तक ग्रंथियों में सूजन बने रहना ठीक नहीं। लिम्फ नोड्स के आकार में वृद्धि भी कैंसर का संकेत होती है। अनीमिया होने पर लाल रक्त कोशिका में भारी कमी आ जाती है। ये हीमोटोलॉजिकल कैंसर के संकेत होता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो मैजिकल फूड इंग्रेडिएंट जिसको अपनी डाइट में ऐड करके आप कैंसर के खतरे से बच सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट है A2 मिल्क। दोस्तों, A2 मिल्क में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा कम होता है, साथ ही जिनको पहले से कैंसर है उनके लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि देसी गाय के दूध में एक्सोसोम्स होता है जो कैंसर की दवा को डिलीवर करने का जबरदस्त स्रोत है। इससे कैंसर की दवा नैनो तकनीक में तब्दील कर ज्यादा असरदार बन जाती है। पीयू में नैनोसाइटिक में अमेरिका से आए प्रोफेसर रमेश गुप्ता ने इस तकनीक का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस तकनीक का सफल परीक्षण हो चुका है। अब अगले कदम में दवा को सीधा शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर असर करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के करनाल में मौजूद नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च में हुए अभी तक के शोध में पता चला है कि देसी गाय के दूध में A2 बीटा केसिन होता है, साथ ही इसके दूध में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद है। वहीं वैदिक मान्यताओं के मुताबिक भारतीय गोवंश समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, इसी वजह से जंगली प्रवृत्ति से दूर रहा। दूध की गुणवत्ता के वैज्ञानिक आंकलन में भी भारतीय गोवंश की प्रमाणिकता सिद्ध हुई है। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका सोडी की माने तो इस गाय के लैक्टोरिकल में आर्जिनों की मात्रा अधिक होती है, यही कारण है कि इसे दूध में कैंसर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। चलिए आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप A2 मिल्क का सेवन अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।